मतलब बिल्डिंग वगैरह स्कूल वगैरह नहीं है सकती है, यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ पे मतलब एक शौचालय रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ACS साहब के द्वारा आए दिन नए और कड़े फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्कूलों में हाईटेक व्यवस्था को लेकर भी कई तरह के दावे किए जाते हैं। अभी शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले को ही देख लीजिए, शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी बनाने का फरमान जारी किया गया है। पिछले दिनों कई सारी तस्वीरें सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि ऑनलाइन हाजिरी बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके साथ ही समय से स्कूल पहुंचने का भी सख्त आदेश दिया गया है, लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं के बीच ऐसी तस्वीर सामने आ ही जाती है जो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख देती है। एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिस तरह से दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये तस्वीर आपको विचलित कर देगी। दरअसल ये तस्वीरें दरभंगा जिले के एक स्कूल की है, जिसके पास न भवन है, न शौचालय है, न बाउंड्री वॉल है, न बैठने की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। इसके साथ ही बच्चे गर्मी में जैसे तैसे बैठे रहते हैं। ये स्कूल जैसे तैसे एक झोपड़ी में संचालित होता है, बच्चे भी मिट्टी पर बोरा बिछाकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब बरसात का मौसम है, ऐसे में बारिश होने से जमीन भींग जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को परेशानी होती है। स्कूल पोखर के एक किनारे स्थित है, जिसके कारण बच्चों के साथ अनहोनी या अन्य किसी तरह की घटना होने का डर हमेशा बना रहता है। बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन भी एक खटाल जैसे झोपड़ी में बनता है। इधर शौचालय के अभाव में बच्चों के साथ ही शिक्षक और शिक्षिकाओं को खुले में शौच के लिए जाना होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आंधी तूफान बारिश में जैसे तैसे स्कूल की व्यवस्था संचालित की जाती है। आपको बता दें कि ये पूरी कहानी दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय मल्लाह टोल बैंक की है। इस विद्यालय में कुल 152 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें कुल 65 छात्र और 87 छात्राएं हैं। लगभग 100 से अधिक बच्चे रोजाना उपस्थित होते हैं, जिन्हें कुल 5 शिक्षक में 3 शिक्षक नियोजन से और 2 शिक्षक BPSC से हैं। इस विद्यालय का स्थापना वर्ष 2006 के दिसंबर महीने में हुई थी, जिसके बाद 5 साल यानी कि 2011 तक एक निजी दरवाजे पर स्कूल संचालित होता रहा। वर्ष 2011 में भूमि मिल जाने के बाद उसे इस जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आज तक भवन निर्माण नहीं होने से विद्यालय की यह दुर्दशा बनी हुई है। वहीं इस संबंध में विद्यालय के HM अब्दुल हन्नान अंसारी ने क्या कुछ बताया है, आप खुद सुन लीजिए। नाम है सर आपका? अब्दुल हन्नान अंसारी जी। ये कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय मल्लाह टोल बैंक जी। क्या समस्या है सर विद्यालय में? समस्या यहाँ है कि यहाँ 1 से 5 तक बच्चों की पढ़ाई होती है, बगल में पोखरा है जो सालों भर पानी से भरा रहता है। पढ़ाई से ज़्यादा हम लोग को बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है कि कहीं बच्चा पोखरा में नहीं चला जाए। क्या यहाँ पर भवन को लेकर क्या कुछ क्या भवन निर्माण नहीं हुआ? भवन निर्माण के लिए जो है JEE साहब को कागज उपलब्ध करा दिया गया है, अभी तो ये भवन ही नहीं है। शौचालय की भी कमी है, बच्चे और शिक्षक को जो है मोहल्ला में जाना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ। तो भवन के लिए क्या राशि नहीं मिल रहा है क्या? भवन के लिए राशि अभी तक अप्राप्त है जी। एग्रीमेंट भी दरभंगा में करीब 4-5 साल पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक भवन निर्माण के लिए राशि मिला नहीं है। जमीन उपलब्ध है जी? जमीन उपलब्ध है। जमीन उपलब्ध है सर। यहाँ पर समस्या क्या क्या होता है जब यहाँ पर भवन नहीं है? तो भवन नहीं रहने से बहुत सारी समस्याएं, बरसात में जो है पूरा भींग जाता है, बहुत दिक्कत होता है यहाँ, बच्चों को बैठने में दिक्कत होता है, टीचर को पढ़ाने में भी बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है।
बच्चे आते हैं रास्ते में गिर जाते हैं, भींग जाता है। यहाँ भी देखते हैं कि एकदम उधर से पानी जो आता है तो पूरा जो है विद्यालय भींग जाता है। यहाँ शौचालय नहीं होने से महिला शिक्षिका है और तमाम बच्चे महिला शिक्षिका और बच्चे जो है मोहल्ला में जाना पड़ता है, बहुत समस्याएं होती है। इसके लिए मुखिया जी से भी संपर्क किया गया तो मुखिया जी आश्वासन दिए थे कि शौचालय बनवावेंगे और ये पानी पोखरा के बारे में भी कहे मुखिया जी को तो बोले थे कि सुरक्षा दीवार देंगे, वो अभी तक हुआ लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। तो इसे सुरक्षा दीवार नहीं होने से भी डर लगा रहता है, बहुत डर लगता है। हमेशा बच्चे पर ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे साइड में नहीं चले जाए। यहाँ कौन कितने से कितने तक क्लास की पढ़ाई होती है? यहाँ 1 से 5 क्लास तक की पढ़ाई होती है जी। 5 शिक्षक है, 5 शिक्षक है। कितने बच्चे नामांकित है सर? बच्चे 152 नामांकित। और कितने बच्चे रोज आते हैं उपस्थित होते हैं? 100 से ऊपर बच्चे डेली जो है यहाँ उपस्थित होते हैं। वही विद्यालय के शिक्षकों का आखिर इस मुद्दे को लेकर के, इस विद्यालय को लेकर के क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुनिए। सर आपका? मेरा नाम अमर कुमार है जी। बीपीएससी TRE-1 में मेरा सिलेक्शन हुआ जी। जब हम लोग आए तो हम लोग ऐसा विद्यालय कभी देखे नहीं थे। जब आए तो हम लोग को पता चला था कि एक अच्छा विद्यालय होगा, यहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। यहाँ परफॉर्मेंस तो अच्छा है लेकिन यहाँ भवन नहीं होने से बहुत सारा समस्या होते हैं। यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है कि बच्चा कैसे सेफ रहे। पहले किसी का जिंदगी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए बच्चे को बचाना रहता है कि किसी तालाब में न गिर जाए। आते हैं बच्चे पिछल जाते हैं। और यहाँ और बहुत सारे समस्या है कि यहाँ पे शौचालय नहीं होने से हम लोग जो 9 बजे आते हैं तो डर से पानी नहीं पीते हैं कि कहीं शौचालय न लग जाए, ठीक है। और यही शौचालय नहीं है, बार बार बोला जाता है मुखिया जी से इधर उधर से, लेकिन बोला जाता है बना, आश्वासन दिया जाता है लेकिन नहीं बनता। अगर सर इमरजेंसी में सोच आना हो तो कहाँ जाना पड़ता आप लोग? हम लोग खेत में या पड़ोस में जाना पड़ता है, इससे भी बहुत सारी समस्या होती है। बहुत महिला सब बगल बगल में रहती है खेत में, इससे भी बहुत सारी समस्या दिक्कत होती है, बहुत सारा समस्या होती है। खासकर शौचालय एक अच्छा हो जाए और भवन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बरसात में बहुत सारी समस्या होता है कि नीचे पानी हो जाता है कि बच्चे बैठे ऊपर से पानी नहीं गिरता लेकिन नीचे पानी आ जाती है, नीचे ढगर कर पानी आ जाती है नीचे। यहाँ बेंच डेस्क की समस्या, यानी बारिश आने पर स्कूल में छुट्टी देना पड़ता है? नहीं, बच्चे तो आते हैं लेकिन जैसे तैसे हम लोग को समस्या को झेलना पड़ता है जी। वही बीपीएससी से चयनित शिक्षिका रूबी यादव ने परेशानियों को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आप वो सुनिए। क्या नाम है मैम आपका? मैं रूबी यादव बीपीएससी TRE-1 से आई हुई हूँ जी। यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे मतलब बिल्डिंग वगैरह स्कूल वगैरह नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमको शौचालय के लिए होती है, ठीक है। हमको यहाँ शौचालय के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे शौचालय नहीं है। हमको दूसरे बच्चों को लेके बच्चों के घर जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ पे दूसरे लोग मर्द वगैरह रहते हैं जिससे हमको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्या होता है। बहुत समस्या होता है हमको यहाँ पे, मतलब एक शौचालय रहना बहुत जरूरी है। और क्या क्या कठिनाई होती है यहाँ पर जब आप आए तो? यहाँ पर भवन नहीं है और सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो दिक्कत होती है यहाँ पर? हाँ, दिक्कत तो होती है क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम है। बारिश में जब बारिश हो जाता है तो बच्चों लोगों को बैठने के लिए जगह ही नहीं होता है, बच्चों इधर से उधर। फिर अगर बच्चे एक्टिविटी इन लोग के लिए होता है तो खेल भी नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे पोखर है, डर लगता है बच्चे पोखर में गिर जाएंगे, ऐसा होता है। तो कभी कभी बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा बच्चे पर ध्यान देना होता है कि बगल में तालाब है? हाँ, बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और इन लोग को मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं इधर उधर गिर ना जाए, या फिर मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है बारिश वगैरह की वजह से। वही स्कूल की इस स्थिति को लेकर बिरौल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण कुमार से पूछने पर उन्होंने बताया कि समस्याओं को लेकर फिर से इस वर्ष विभाग को अवगत कराया जाएगा, जमीन उपलब्ध है, भवन का निर्माण कराया जाएगा और सभी समस्याओं का निदान भी होगा। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा मदद मिलेगी जिसके बाद विद्यालय का भवन बनकर तैयार होगा। क्या नाम है? कौन क्लास में पढ़ते हैं? पांचवा में। क्या दिक्कत होता है स्कूल में, क्या क्या दिक्कत होता है? हाँ बोलिए, क्या दिक्कत होता है? पानी टपक टपक लगाता है। अच्छा, इधर देख के बोलिए। हाँ, और क्या दिक्कत होता है? अरे अंधा पे आवे छे तो भीज जाए छे, पिछड़ी लाल के घी लाल जाए छे। हाँ,
पानी में गिरे के डर रहै छै। अच्छा, और क्या दिक्कत होता है? बाथरूम लगे छै त हॉल जा पड़ै छै। अच्छा, शौचालय के लिए घर जाना पड़ता है जी। और क्या दिक्कत होता है यहाँ पर? गर्मी भी लगता है, पंखा का नहीं? गर्मी लगता है, पंखा यहाँ नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? पंचमा। क्या समस्या होता है, क्या दिक्कत होता है यहाँ पर आपको स्कूल में? क्या क्या दिक्कत होता है? क्या क्या दिक्कत होता है यहाँ पर? दिक्कत होती है, बारिश होता है तो नीचे पानी जमा हो जाता है, खेलने के लिए दिक्कत हो जाता है, पानी में घुरक। अच्छा, पानी में जाने का डर लगा रहता है, बारिश में पानी नीचे भर जाता है जी। शौचालय के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं शौच के लिए? खेत आ रहे हैं। खेत जाना पड़ता है, घर आंगन भी जाना पड़ता है। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत होता है यहाँ पर? पानी स्कूल में भर जाता है। स्कूल में भर जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।